काश मैं कॉलेज वापस आ सकती पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वो सब हो चुका है. तो टुडे आई एम हियर अ जज राइट हियर प्रेस्टीजियस मिठीबाई कॉलेज. मैं पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ पे एंड आई नो दैट द टीम पुट्स इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू पुट अप अ रियली बिग फेस्टिवल. हमेशा सक्सेसफुल होता है. वेरी ऑफन आई एम जजिंग म्यूजिक एंड डांस जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आज एक फैशन इवेंट जज करने आई हूँ कॉल प्रीमाडोना. सो दैट्स रियली नाइस बिकॉज यू ऑल नो हाउ मच आई लव फैशन और मुझे नया टैलेंट देखना बहुत अच्छा लगता है. आई मीन मेरी पढ़ाई लंदन और फ्रांस में हुई भी है और हमारी इट्स वेरी डिफरेंट है, लेकिन हाँ हमारे भी फेस्टिवल्स होते थे शायद छोटे स्केल पे इससे, हालांकि कॉलेजेस वहाँ पे बहुत बड़े हैं. तो हम क्या करते थे, हम दिवाली फेस्टिवल करते थे, इटालियन लोग अपना कुछ करते थे और अलग अलग लोग अपना करते थे. सो माई कॉलेज ईयर्स वर द बेस्ट ऑफ माई लाइफ. वो दिन कभी वापस नहीं आते एंड आई थिंक आई वेंट टू द बेस्ट institutions in the world. और वहीं पर मेरी पर्सनैलिटी ऐसे बनी, वहीं से मैंने प्रोफेशनली गाना शुरू किया. मेरा जब गर्ल बैंड का पहला एल्बम आया था संसारा का, मैं कॉलेज में ही थी. सो वहीं से मेरा करियर शुरू हुआ. तो आई कैन नेवर फॉरगेट इट. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बचपन से जिस किसी स्कूल में मैं गई हूँ उन्होंने हमेशा ये सिखाया. मेरा जो स्कूल था फ्रॉम द एज ऑफ 11 टू 17 वो ड्रामा और म्यूज़िक के लिए बहुत फेमस था और वहीं से मुझे माई रियल लव फॉर म्यूज़िक स्टार्टेड, माई लव फॉर ड्रामा, फॉर एक्टिंग, फॉर ऑल दोज थिंग्स स्टार्टेड. और ऑफ कोर्स मैं स्पोर्ट्स में नेटबॉल कैप्टन भी थी. तो हम इतना सब कुछ करते थे कि इट मेक्स यू वेरी वेल राउंडेड पर्सन. एंड आई थिंक ऐसे फेस्टिवल्स बहुत ज़रूरी होते हैं कॉलेज के लिए. इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग, इट्स अबाउट बिकमिंग एन ऑल राउंडेड पर्सन. आ रहा है म्यूज़िक एल्बम्स का मतलब वक्त फाइनली वापस आ चुका है एंड आई एम नोन फॉर म्यूज़िक एल्बम्स. तो मैं कोशिश कर रही थी कि ये साल में आ जाए, हल्का सा डिले हो गया है, बट कहते हैं कि सबर का फल मीठा होता है. आई थिंक नहीं, मैंने काफ़ी अलग अलग गाने रिकॉर्ड किए हैं. आई डोंट वांट टू से टू मच अबाउट इट, बट या आई एम एसोसिएटेड विद थिंग्स दैट आर वाइब्रेंट एंड एनर्जेटिक एंड डांस ओरिएंटेड. तो वो तो होगा, लेकिन शायद नेक्स्ट ईयर एक और साइड भी मेरा देखने को मिलेगा. Thank you. Thanks.